जिंदा रहो। सबसे पहले हमारे आका नामदार नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हज़र इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जिंदा रहो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलवातुल्लाह अलैहि के एक हदीस मुबारक में इस तरह का मफहूम वारिद हुआ है कि आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे इल्म व हिकमत का ख़ज़ाना देकर जो दुनिया में भेजा है उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आसमान से मूसलाधार बारिश बरसे, वो बारिश ऐसी ज़मीन पर भी बरसी कि जो ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ थी, बहुत फर्टाइल ज़मीन थी, तो उस ज़मीन ने उस पानी का भरपूर फ़ायदा उठाया और उसमें देखते ही देखते हरियाली वजूद में आ गई। ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा भी था जो थोड़ा सख्त था, उसने उस पानी को अपने अंदर जज्ब किया, अपने अंदर जमा करके रखा, जो नदी और तालाब की सूरत में हुए, और उसने ख़ुद को भी उससे फ़ायदा पहुंचाया और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाया। और वो बारिश ऐसी जगह पर भी बरसी जो चटियल मैदान है, रेगिस्तान है, वहाँ वो बारिश कितनी भी बरसी, न ज़मीन ने उसको अपने अंदर जज्ब किया, न उससे अपने लिए कोई फ़ायदा मंद साबित किया, न उस पानी से उसने किसी और को फ़ायदा पहुँचाया। वो पानी का गिरना वहाँ ज़ाया हो गया उस ज़मीन की हालत की वजह से। फरमाते इंसानों की हालत भी बिल्कुल इसी तरीके से है कि अल्लाह तबारक व ताला जब इंसान के लिए हिदायत की बारिश बरसाता है, अम्बिया व अइम्मा अलैहिमुस्सलाम जब तालीमात लेकर आते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनसे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो तालीम उन्हें दी गई है। हम किनारों में सुनते हैं कि एक सरोवर सींचा रोपिया, एक हरिया दूजा सूखा, एक ही सरोवर से, एक ही झील से, एक ही तालाब से पानी दिया गया, मगर एक ज़मीन को आप देखें तो हरियाली से भर गई और दूसरी ज़मीन को देखें कि वह बिल्कुल सूखी रही। हमारे दिल की हालत भी कुछ ऐसी है। और आज हम कुछ हमारे पीरों के ज्ञान की रोशनी में, एक ऐसे उस ज्ञान में जो एक मरकज़ी नुक्ता है, उसके हवाले से एक ऐसी बात करेंगे कि जिसमें हम सब के लिए एक मौका होगा आज के हम अपने दिल को ज़रा टटोल के देखें कि हमारी दिल की ज़मीन की हालत कैसी है। हमारा जहन, हमारा दिल बिल्कुल ज़मीन की तरह है कि आप उसमें जो चीज़ बोते हैं वो ज़मीन फर्टाइल ज़मीन की तरह है, आप उसमें जो कुछ बोते हैं वो फौरन उसका जवाब आपको देता है। तो हम देखें कि आया हमारी ज़मीन एक ऐसी फर्टाइल ज़मीन की तरह है, ज़रखेज़ ज़मीन की तरह है, जो ज़माने के इमाम के फरामीन, हिदायत, दीन की बातें, ज्ञान की बातें जज्ब करती है, या उसको जज्ब करने में वक्त लगता है, या हमारी हालत कुछ ऐसे पत्थर की तरह है जो उन तमाम तालीमात को रिजेक्ट कर देता है। ये ज्ञान जो मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, पिशम्स माँ बाप का ज्ञान है, ये जी सत ने मारगे चालिए तो भेद पामिए साथ, गुरना ज्ञान जो वाँचिए समझे थी उतरिए पार। ये तकरीबन 18 से 20 जोड़ी ले ज्ञान एक ही जैसे हैं और इसमें आगे चलकर किस्सा शुरू होता है और वो उन तमाम 18-20 ज्ञान में वो किस्सा जो है वो जारी रहता है। फरमाते हैं सत ने मार्ग चालिए
तो भेद पामिए सारा, आप जानते हैं हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ हमारे दीन की तालीमात दी गई, तो हमारे मज़हब को एक ख़ास नाम दिया गया है जो बार बार आप गिनानों में भी सुनते हैं कि इसको सतपंथ कहा गया है। सतपंथ यानी सच्चा रास्ता, सच्चाई का रास्ता, यानी ये वो रास्ता है जो आपको सच्चाई की तालीम देता है, और सतपंथ ही वो है जो हमेशा सच्चाई पर अमल करता है। और दुनिया में कोई भी दीन ऐसा नहीं है कि जिसमें सत की और सच्चाई की तालीम न दी जाती हो। बात जब बनती है आप सतपंथी अपने आप को कहलाए, मगर सत पे सच्चाई पे हम अमल करते हैं या नहीं, वो बहुत बड़ी बात है। सरकार मौलाना हज़रत इमाम शाह करीम अल हुसैनी सलवातुल्लाह अलैहि ने अपने कई फरामीन में और हालिया फरामीन में भी मौलाना हज़रत इमाम ने हमारी अखलाकियात पर बहुत ज़ोर दिया है। दीन पर अमल करने के मामले में हमारे जो आमाल है, अखलाक है, उस पर मौला ने बहुत ज़ोर दिया है। कंपाला में मौला ने 13 जुलाई 2011 को फरमाया, बहुत तफसील से मौला ने अखलाकियात की बात की थी, बहुत बड़े छोटे छोटे जुमले में इमाम ने, लेकिन बहुत पावरफुल जुमले में हमको समझा दिया। बी क्लियर, ऑनेस्ट, स्ट्रेट, बी क्लियर, ऑनेस्ट, स्ट्रेट, आप बिल्कुल साफ सुथरे बने, सीधे रहें बिल्कुल, और ईमानदार रहें। जिंदगी जो गुजारते हैं, दुनिया में काम करते हैं, कोई ग्रे एरिया नहीं होना चाहिए, मौला फरमाते उसके अंदर सब सीधा और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बिकॉज इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द जमात, द होल ऑफ द जमात, टू बी सीन एज ए जमात विच एवरी कंट्री अराउंड द वर्ल्ड वेलकम्स विद इन द फ्रंटियर। ऐसे जमात नज़र आना चाहिए कि दुनिया की कोई भी कौम, कोई भी मुल्क आपको खुश आमदीद कहे, यानि आपका नाम, आपकी साख, आपका रेप्यूटेशन ऑनेस्टी में, ईमानदारी में सबको पता होना चाहिए। यानि सिर्फ इतना मालूम हो जाना कि ये इस्माइली है, आगा खान के मुरीद है, ये एक गारंटी और पासपोर्ट समझा जाए कि इन लोगों में कोई दाग नहीं होता, इनमें कोई बेईमानी नहीं होती है, इनमें किसी किस्म की दगाबाजी नहीं होती है। मौला फरमाते हैं हमारे रूहानी बच्चे फरिश्ते जैसे बन कर रहें। तो जो सतपंथ धर्म की हम बात करते हैं, पीर फरमाते हैं कि सत बोलो ने सते चालो, सत मत छोड़ो मारा मुनिवरो, अने सत छोड़े पत जाए, सच्चाई को मत छोड़ो मेरे भाइयों, सच्चाई को छोड़ने से इज्जत खत्म हो जाती है। सत बोलो ने सते चालो, सत समो नहीं कोई सार, सच्चाई के जैसा और कोई भेद नहीं है, सकड़ वेद सते रचिया, भाई सते उतरशो पहले पार। तमाम वेद, तमाम दीनी तालीमात सच्चाई पर ही मबनी है, और तुम सच्चाई से ही पार पहुंचोगे, सच्चाई से चलोगे तो तुम्हारे साथ भी सच्चाई होगी, ईमानदारी से पेश आओगे। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे साथ भी लोग ईमानदारी से पेश आए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि तुम भी ईमानदारी से पेश आओ। एक गरीब इंसान था, मिसाल बयान करते हैं, अपने ही उस गली में सड़क पे सामने एक ब्रेड रोटी बेचने वाला था, उसको हमेशा वो एक पाउंड मक्खन बेचा करता था। वो रोटी वाला आता और हर रोज इसके पास से एक पाउंड मक्खन लेके जाता। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया, ये बंदा हर रोज एक ही तरह से मुझे एक पाउंड मक्खन दे देता है, मैंने कभी वजन तो किया नहीं, ये बराबर वजन मुझे देता है कि नहीं देता है। उसने घर जाके वजन किया तो देखा वो एक पाउंड पूरा नहीं दे रहा है, कम दे रहा है थोड़ा। उसे बड़ा गुस्सा आया, मक्खन वाले आदमी को उठाकर अदालत में, कोर्ट में ले गया, जज साहब के सामने हाजिर किया, काजी के सामने हाजिर किया, जी ये नाप तोल में कमी बेशी करता है।
तो जज साहब ने पूछा कि भाई तुम्हारे पास तुम्हारा मेजर जो है, मेजर के जो बात है वो दुरुस्त है कि नहीं। उसने कहा सरकार गरीब आदमी हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, ये वज़न के बाट वाट का तो मुझे कोई पता नहीं है। मेरे पास तराजू है, बाट कोई नहीं है मेरे पास, मेरे पास तराजू है। अलबत्ता मैं आपको ये बताऊँ, ये शख्स जब से मेरे पास से ये मक्खन ख़रीदता है एक पाउंड, उससे काफ़ी अरसे पहले से मैं इसके पास रोज़ाना एक पाउंड रोटी खरीद के लाता हूँ। मैं इसका मुझसे भी पुरा, जो ये मेरा ग्राहक है मैं इससे पुराना ग्राहक इसका हूँ। मैं हर रोज़ इसके पास से एक पाउंड रोटी लेके आता हूँ, वो एक पाउंड में एक तराजू पे रख देता हूँ रोटी, और दूसरे तराजू पे मैं मक्खन तोल के उसको दे देता हूँ। मेरा ये पार्ट है, ये मेरा मेजरमेंट है। अगर मेरे मेजरमेंट में कोई कमी है, अगर मेरे वज़न में कहीं ख़राबी है, तो वो मेरा कसूर नहीं है। मैं जिससे वज़न कर रहा हूँ, ये रोटी जो मैं उसी की दुकान से ला रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम है। वो रोटी बेचने वाला शर्मिंदा हो गया, जज के सामने खुद ही झूठा पड़ गया। उसे वज़न करने का ख्याल उसी वक्त आया होगा, क्योंकि खुद भी डंडी मार रहा था अपने वज़न में, इसलिए सामने वाले के बारे में उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि कहीं वो भी डंडी तो नहीं मारता है। तो बिल्कुल सीधी बात हमें कहते हैं कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ सुलूक करें, ऐसा तुम लोगों के साथ सुलूक करो। क्योंकि कहते हैं जैसा आप बोते हैं वैसा आप कमाते हैं, जैसा आप बोते हैं वैसा आप काटते हैं। जो आमाल हम जन्म देते हैं, जो आमाल हम करते हैं, हम उसी आमाल का फ्रूट निकालेंगे। बिल्कुल सादा सी बात है, आपके पास अगर ज़मीन का एक टुकड़ा है, किसी ने आपको दो बीज ला कर दिए, उन दोनों बीज में से एक बीज कोई अच्छे फल का है और दूसरा बीज कोई जहरीली पौधे का है, आप अपने उसी ज़मीन में जो आपको फसल देती है, थोड़े थोड़े फासले पर आप वो दोनों बीज डाल दीजिए, एक कोई अनाज का है और दूसरा जहर का है, तो ज़मीन तो बड़ी ऑनेस्ट है, ज़मीन तो बड़ी ईमानदार है, आईने की तरह है। आप उसके सामने खड़े रहेंगे कि भाई मेरा चेहरा जैसा भी हो, लेकिन मेरा चेहरा आईने में नज़र अच्छा आना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो जो है वही तो आईने में नज़र आएगा, आईना बेचारा क्या करे। तो जब हमने ज़मीन में वो बोया, उसमें से एक बीज में से अगर अच्छा फसल और दूसरे में से जहरीला पौधा निकल आया, तो ये बिल्कुल नेचर का लॉ है, ये ज़मीन की ईमानदारी है। वो इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा कि इसने यहाँ ये बीज फसल की बोई है तो ज़रा इस पर मेहरबानी कर दो, और वो जहर का पौधा है तो उसको नहीं उगाओ। ज़मीन ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, वो कानून पे चलता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे आमाल है, अज़मकाफ़ात अमल गाफिल मशाओ गंदमज गंदम भी रोयत जाओ ज जाओ। आमाल के बदले से गाफिल न होना, गंदुम बोगे गंदुम काटोगे, जाओ बोगे जाओ काटोगे। इसलिए हमसे पहली तालीम हमें ये दी गई, सच्चाई को कभी नहीं छोड़ना। दीन पे अमल करते हो तो दीन का एथिक ईमानदारी और सच्चाई है। दूसरी बात फरमाते हैं जी, फरमान अमारो जे न मानशे वड़ी नहीं मानशे बात। जो हमारा फरमान नहीं मानेंगे और हमारी कोई बात भी नहीं मानेंगे, ते ठाम क्याएं नहीं पामशे नहीं मलशे गुरनर ने साथ। जो हमारी बात नहीं मानेंगे उनको कोई जगह नहीं मिलेगी, मुर्शिद कामिल के साथ वो नहीं होंगे। हर रोज़ हम ज़माने के इमाम के फरमान सुनते हैं, हमारे दीनी और दुनियावी फलाह व बहबूद के लिए ज़माने के इमाम हमें फरामीन फरमाते हैं। जायज़ा अपने आप का हमें लेना है, उन फरामीन पर हम कितना अमल कर रहे होते हैं। अगर फरमान पे अमल नहीं करना है किसी को, तो मुर्शिद कामिल को मानने या ज़माने के इमाम को मानने का मतलब क्या है और फ़ायदा क्या है।
जमाने के इमाम की बैयत करने का फायदा क्या है? बहुत बड़ी बात है ये कि हम इमाम जमान के फरामीन पर मुकम्मल भरोसा रख कर अपनी दूसरी दुनिया की ज़िंदगी को और उसके साथ साथ इस दुनिया की ज़िंदगी को भी आबाद करते हैं, और उस फरमान के ज़रिए हम अपने ईमान की दुनिया को आबाद करते हैं। खलीफा हारून रशीद के बारे में कहते हैं कि वो उलमा की बड़ी इज़्ज़त किया करता था, और उसकी बेगम ज़ुबैदा कहते हैं वो बहुत ही पारसा और बहुत नेक औरत थी। और खलीफा हारून रशीद के ज़माने में कहते एक दरवेश सूफ़ी दाना किस्म का इंसान था, बहलूल, बहलूल उसका नाम था, मलंग आदमी था, बहलूल दाना के नाम से तारीख में जाना जाता है। कहते हैं हारून रशीद अपनी बीबी ज़ुबैदा को लेकर एक दफ़ा दरिया किनारे सैर कर रहा था तो देखा बहलूल रेत के मकान बना रहा है। हारून रशीद ने पूछा, बहलूल क्या बना रहे हो? कहा, मकान बना रहा हूं। किसके लिए बना रहे हो? कहा, जो इसको खरीदेगा मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में उसको एक आलीशान मकाम इनायत करे। क्या कीमत है भाई? का एक दिनार। हारून रशीद ने समझा कि मलंग आदमी है तो इस तरह वो दरवेशाना बातें कर रहा है, बेगम से कहा चलो चलो। बेगम ने अपनी जेब में से एक दिनार निकाल के बहलूल को दिया कि बहलूल एक मकान मैं खरीदती हूँ, मेरे हक में दुआ करना। हारून रशीद को हंसी आ गई, ये मेरी बेगम को क्या हो गया आज, क्या मैं एक मकान खरीदती हूँ मेरे हक में दुआ करना। देखिए उस वक्त से भी ये दुआ, आज भी हम दुआ कराते हैं ना, एक छोटा सा नजराना ला के देते हैं कि मौला के नुमाइंदे से मेरे हक में दुआ करना, या जो दुआ कराना जिसे कहा जाता है, ख़ास नजराना दरवेशों की खिदमत में पेश कर कर उनसे दुआएं मंगवाई जाती थी कि इनकी दुआ में तासीर है क्योंकि ये पहुँचे हुए लोग हैं, यहाँ की दुआ में तासीर है क्योंकि इनके पास इमाम का हुक्म है, इमाम का अम्र है। हारून रशीद ने बात को आई गई करके रात को घर जाके सो गया। जब वो सोया तो ख्वाब में उसने देखा कि वो जन्नत की सैर कर रहा है, और जन्नत की सैर करते करते उसने देखा बड़े आलीशान मकान बने हुए हैं, और एक मकान पे ज़ुबैदा का नाम लिखा हुआ है, उनकी बेगम का नाम लिखा। बहुत खुशी हुई, मेरे बेगम का मकान यहाँ, फौरन गया अंदर के भाई अपनी मेरी बेगम का मकान देखना है। तो जन्नत के दरोगा ने रोक लिया, जी आप इसमें नहीं जा सकते। कहा भाई मेरी वाइफ का मकान है, मेरी बेगम का नाम लिखा है। आपकी बेगम का नाम लिखा है, आपका तो नहीं लिखा ना, यहाँ का कानून दूसरा है, यहाँ तो जिसका नाम लिखा हो वही जाता, और कोई नहीं जाता इसके अंदर। और इसी बहस में हारून रशीद की आँख खुल गई, वो ख्याल आया कि वाकई बहलूल की दुआ मेरी बीवी के लिए कबूल हो चुकी है, उससे जन्नत में मकान मिला है, काश मैं भी एक मकान खरीद लिया होता, सुबह होते ही मैं जाऊंगा और एक मकान मैं अपने लिए भी खरीद लूंगा। सुबह होते ही निकल पड़ा बहलूल की तलाश में, देखा भाई बहलूल दरिया किनारे बैठा है, मकान बना रहा है, जल्दी से एक दिनार निकाला, बहलूल भाई एक मकान मेरे नाम पे भी, और दुआ करना खुदा मुझे उस जहान में एक मकान दे दे। बहलूल ने कहा, सरकार अब ये मकान एक दिनार का नहीं है, अब ये मकान एक दिनार का नहीं है, इसके लिए तो पूरे जहान की बादशाही की कीमत भी पूरी नहीं होगी। पूरे जहान की कीमत दोगे सरकार तो भी ये पूरी नहीं होगी। कहा बहलूल क्या बात है, कल तुम एक दिनार में दे रहे थे। कहा सरकार कल बिन देखे का सौदा था,
आज देखने के बाद का सौदा है, कल ईमान के बेसिस पे सौदा था तो आपके ईमान की कदर कर ली जाती थी। आज आप ईमान से नहीं आए हो, आज आप देख कर आए हो। अब उसकी कीमत चुकाने की आपके पास ताकत नहीं है। कहने का मतलब यह है, मज़हब पूरा जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हम कर रहे हैं, ये सब बिन देखे का सौदा है। ईमान और अकीदे की बात है, इसलिए ईमान और अकीदे की इतनी इज्जत की जाती है, उनका इतना एहतराम किया जाता है। और इसलिए कहा जाता है, फरमान तालीम पे अमल करो। फरमान का नतीजा हम नहीं जानते हैं, इसलिए हमसे तवक्को की जाती है कि इमाम के बोल पे, दीन के बोल पे भरोसा करो। जब हम लंदन में रहते थे 1980 के अशरे के इब्तदा में, एक हमारा दोस्त था जिनके घर हम जाया करते थे, वो ईस्ट अफ्रीका का था। एक दफ़ा उनके घर पे जाकर बैठे तो उसने अपने वालिद साहब की कहानी सुनाई। बहुत ही बड़े ख़ानदान का लड़का था वो, मगर उस वक्त उसकी माली हालत बहुत ख़राब थी और वो बीमार भी था, और तीमारदारी के लिए हम गए थे। उसने कहा कि मेरे वालिद साहब ईस्ट अफ्रीका में बहुत पैसे वाले थे, उनकी अपनी शिपिंग कंपनी थी, कहते उनकी अपनी प्राइवेट एयरलाइन भी थी। मेरे वालिद साहब 1952 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि को मिलने के लिए जिनेवा गए। का मेरे वालिद साहब का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ 35,000 शिलिंग, उस ज़माने में बड़ी बात थी, 35,000 शिलिंग का एक डिस्प्यूट चल रहा था, एक तनाज़ा चल रहा था, और वो उस सिलसिले में मौला से बात करने गए। मगर बातों में मौला ने ख़ुद उसको सामने से पूछा कि तुम्हारा इनकम टैक्स वालों के साथ अगर किसी किस्म का कोई तनाज़ा है, कोई प्रॉब्लम है, तो देखो उसको सॉल्व कर लेना, उसको क्लियर कर लेना। तो पता नहीं वालिद साहब को क्या हुआ, मौला ने 2-3 दफ़ा फरमाया, लेकिन मेरे डैडी ने कहा कि नहीं खुदावे ने ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरा ऐसा कोई इशू नहीं है। वापस आ गए, मौला की गाइडेंस और मौला के फरमा, ये बाप के बाप की बातें बेटा सुना रहा है, बेटा बोल रहा है मेरा बाप कैसे तबाह हुआ, मैं इस हालत में कहाँ कि क्यों पहुँचा हूँ। मेरे बाप ने वो मसला हल नहीं किया, और देखते ही देखते देखते ही देखते हमारा ख़ानदान तबाह हो गया और हम बिल्कुल ख़त्म हो गए। ये तो छोटी सी एक मिसाल, इंडिविजुअल लोग अपने ज़िंदगी की बात करते हैं कि हमें ये हुक्म हुआ था, हमने ये नहीं किया, तो हमें कहा गया कि भाई फरमान हमारा जो नहीं मानेगा, हमारी बात नहीं मानेंगे, वो कोई भी जगह हासिल नहीं कर सकेंगे, मुर्शिद के पास भी नहीं पहुंच सकेंगे। आगे फरमाते हैं जी, वर्ण समझिया ते पत्थर सरीखा, वर्ण समझिया ते पत्थर सरीखा, जो नहीं समझते हैं वो पत्थर की तरह है। तासु न करिए हैया कूट सोए, उनके साथ सरफोड़ी मत करो, जे सदगुर वचने चाले नहीं ते केम करी अमर होए। जो मुर्शिद के फरमान पे नहीं चलता वो अमर कैसे होगा। फरमाते हैं जो दीन की बातों को नहीं समझते हैं, जिस तरह पहले हदीस में मिसाल दी गई, कुछ पानी पत्थर पे गिर जाते हैं, धर्म लिया तो क्या हुआ, जो शाहसु न लाया रंग, जीव पानी माहे पत्थर भया, तोय न भीना अंग। मजहब लिया तो क्या हुआ, जैसे पत्थर के पत्थर पानी के अंदर पड़ा हो। मौला से अगर तूने रंग नहीं लिया है, जेने रंग लिया अम तना तिसे कैसा होवे गुमान, जो हमारे रंग में रंग गए हैं उनको किसी किस्म का कोई गुमान नहीं होगा। परमात्मा कच्चे रंग में नहीं जाओ, रंग कसुम्बो को घुरे बाना, घुर ऊंची चोड़ मजीठ, ये तू कच्चे रंग के पीछे क्या जा रहा है, पक्के रंग में जा, पक्के रंग में जा जो कभी खत्म नहीं होता है। कहा मजहब पे चलना है तो पत्थर की तरह बन के नहीं चलो। मगर फरमाते हैं वर्ण समझिया, जिसने नहीं समझा वो पत्थर की तरह है।
तासू न करिए हैया कूट सोई, उनके साथ बहस व मुबाहसा नहीं करो, उनके साथ सरफोड़ी नहीं करो। सरकार इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि 1905 में मौला जंजीबार गए, और उससे पहले 1899 में पहली दफ़ा गए थे। 1899 के बाद 1905 में गए, और वहाँ जाके मौला जमात को फरमाते हम 6 साल के बाद आपके पास आए हैं, इतना अरसा हम आपसे दूर रहे हैं, इसकी वजह से आपके दिल पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं, हमारी दूरी की वजह से, हमारे हिदायत आप तक बराबर ना आने की वजह से आपके दिल पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं, अब जितने दिन हम यहाँ हैं हम रोज़ाना जमात खाने आएंगे, आप भी रोज़ाना आना, हम हर रोज़ आपके आपको फरमान फरमाएंगे, हम हर रोज़ अपने फरमान के पानी आपके दिल पर डालकर आपके दिल की ज़मीन को नरम करेंगे। दिनदारो, दिल की सख्ती बड़ी बदबख्ती है। जिन लोगों का दिल सख्त है ये वो लोग हैं, उन पर अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नाराज़गी उतरती है। दिल की सख्ती ऐसी ज़मीन से उसकी मिसाल दी जाती है कि जिसमें से कुछ उगता नहीं है, उसको तोड़ने नरम करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जिनके दिल में ज्ञान की बातें इल्म की बातें नहीं उतरती, फरमाते हैं ये लोग पत्थर दिल वाले हैं। और कहा गया तासू न करिए हैया कूट सोए, इनके साथ बहस व मुबाहसा न करो, इनके साथ झगड़े में न उलझो। आज भी मौलाना हाजर इमाम फरमाते हैं कि मुल्क की और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल जो हुई है, उस कॉन्टेक्स्ट में सरकार मौलाना हाजर इमाम शाह करीम अल-हुसैनी सलवातुल्लाह अलैही ने इंडिया में जो फरमान मुबारक फरमाया, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के कॉन्टेक्स्ट में, हमें बड़ा दुख होता है, बड़ी हैरत होती है, जमात के दिनदार सोशल मीडिया पर दूसरे जगहों पर लोगों के साथ मजहबी बहस मुबाहस में उलझते हैं। वो लोग जिनको इमामत की ABCD नहीं मालूम, उनको इस्माइली मजहब समझाने की कोशिश करते हैं। पहले हम खुद तो समझें कि भाई हमने अपने मजहब को खुद बराबर समझा है या नहीं, और हमें किसने कहा है कि हम मजहबी बहस व मुबाहसे में उलझें। सरकार मौलाना हाजर इमाम शाह करीम अल-हुसैनी सलवातुल्लाह अलैहि ने मुंबई में 27 नवंबर 2013, 1.5 साल पहले मौला का ये फरमान है, जब आप अपने इर्द गिर्द की दुनिया का मुशाहिदा करते हैं तो आपने देखा होगा कि आज उम्मत मुस्लिम दुनिया पर नई कुवतों का दबाव है, और ये नई कुवतें मुसलमानों को दूसरे मुसलमानों के साथ लड़ाने का बाइस बन रही है, मजहबी बहस व मुबाहसे में उलझने के बाइस बन रही हैं, जिनका कोई मकसद नहीं है, मजहबी बहस मुबाहसे का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि आप मजहबी बहस में जीत नहीं सकते, आप मजहबी बहस में जीत नहीं सकते, आपकी अपनी राय होती है, लेकिन आप उस राय को किसी पर थोप नहीं सकते जो उस राय को सुनना नहीं चाहता। इसलिए आज हम अपने रूहानी बच्चों को फरमाते हैं कि आप भटक न जाएं, हमारे पास अपनी रिवायात हैं, हमारे पास अपना मजहब है, हमारे पास अकदार हैं जिनके मुताबिक हम जिंदगी गुजारते हैं, आप उनके साथ मुखलिस रहें, बाकायदगी से मज़हब की प्रैक्टिस करें, और हमारा यकीन है कि आप मज़हब जो कि रिवायती तौर पर हमारा अपना है कि प्रैक्टिस में इस्तकामत यानी कंसिस्टेंसी, खुशी और तसलसल हासिल होगा आपको। आज नौजवानों की तरफ से जो इश्यूज़ हमारे सामने आ रहे हैं, जो सवालात हमारे सामने आ रहे हैं, बड़ी आसानी से हम कह देते हैं और कह सकते हैं ये हमारे सवाल नहीं हैं, हमारे मज़हब के सवाल नहीं हैं, हमारे अंदर के सवालात नहीं हैं, ये बाहर के सवालात हैं, ये उन लोगों के सवालात हैं जो लोगों को लड़ा रहे हैं और उलझा रहे हैं। मौला ने हमें फरमाया इस बहस में न जाएं, इसमें न उलझें, और आप भटक न जाएं, सिरात मुस्तकीम पर रहें, अपने मज़हब की तालीम पर मजबूत रहें।
आगे चलकर फरमाते हैं ए जी पत्थर पानी में राखिए। इस ज्ञान का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि इंसान के दिल पत्थर की तरह होते तो उनका क्या हाल होता है। ए जी पत्थर पानी में राखिए जे एक वर्ष जसार, अगर एक साल तक भी तुम पत्थर को पानी में डालो तो ये अंतर भीज नहीं जो काढ़िए बाहर। एक साल के बाद भी उसको पानी से बाहर निकालो तो सूखा का सूखा होता है, वो अंदर से भीगता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ के अंदर दिल की सख्ती के उन्वान को भी ज़ेर बहस लाते हैं। बनी इसराइल के बयान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, बयान काफ़ी लंबा है, एक जगह अल्लाह फरमाता है कि ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ, इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, फहुअ कल हिजारत, वैसे सख्त हो गए कि जैसे पत्थर हैं, औ अशद्दु कसवा, बल्कि पत्थर से भी ज्यादा तुम्हारे दिल सख्त हो गए हैं, कि पत्थर से तो फिर भी कभी कभी पानी निकल आते हैं मगर तुम्हारा दिल उससे भी ज्यादा सख्त हो गया। ये अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी उनके लिए थी कि तुम ऐसे बन गए कि जैसे तुम पत्थर हो गए हो, तुम्हें किसी बात की समझ नहीं आती। एक और जगह अल्लाह फरमाता है फवैलुल लिल कासियती कुलुबहुम मिन जिक्रिल्लाह, जिन लोगों के दिल अल्लाह के जिक्र से या अल्लाह के जिक्र की तरफ सख्त हो गए हैं उन पर बड़ी खराबी है। यानि जिन लोगों के सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दीन की बात की जाए कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के दुख दर्द सुनाया जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह फरमाते वैलुल लिल कास, ऐसे दिल पत्थर दिल वालों पे बड़ी खराबी है। वैल कहते हैं कि हैफ है ऐसे लोगों के ऊपर, अपने दिल को ज़रा जांच के देखिए कि हमारे दिल की कैफियत क्या है, हम मोम की तरह हैं या संग दिल हैं। दीन की बातें, मज़हब की बातें, जज्बात की बातें हमारे दिल को कहाँ तक असर करती है। एक और जगह अल्लाह फरमाता है कि इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना, मोमिनिन वो हैं इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल दहल जाते हैं, उनके दिल में जलजला आ जाता है, दहल जाते हैं खौफ के मारे जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब उनके सामने अल्लाह की निशानियां पढ़ी जाती है ज़ादतहुम ईमानन, तो उनका ईमान बढ़ जाता है, उनके ईमान में काफ़ी फ़रोग हासिल होता है। अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोग हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो फरमाते हैं तक्शाइरु मिनहु जुलूदुल लज़ीना यक्षौन रब्बहुम, जो लोग अल्लाह का खौफ रखते हैं उनके जिल पर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, और फिर उनके बाद उनके खाल और उनके दिल नरम पड़ जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र की तरफ। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, ज्ञान पढ़ा जाता हो, दीन की बातें हो रही हो तो उनकी आंखें अश्कबार होती है, बाज़ लोग उन्हें अच्छा समझते हैं, बाज़ लोग उन्हें बुरा समझते हैं। हम इस पर कोई जजमेंट नहीं देते हैं मगर इस बात की निशानी है कि हमारे दिल की कैफियत कैसी है उसका हम कम से कम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दीन धर्म की बातें मज़हब की बातें हमारे दिलों को छूती है, हमारे दिलों तक पहुंचती है या नहीं। तो फरमाते हैं पत्थर को पानी में रखो, कितने साल भी रखो वो पत्थर का पत्थर रहता है। घर ऊपर जेम दीवड़ा अने माहे काली रात, ये फोकर धोना बाहर का तरह मन्ना का सिलसा, घर के ऊपर तो बड़ा चरागा किया हुआ है अंदर सिया रात है, का मज़हब पर तुम इस तरीके से अमल मत किया करो। मज़हब का एक पर्पस होता है। ए जी गुर गिनाने भीना नहीं,
जो मुर्शिद के ज्ञान से भीगा नहीं हुआ है, अने अंतर न सुजीवात, और दिल में कोई बात उसको सुझाई नहीं देती है, तेने पत्थर कणी जानिए तेने बोधिए जो छह मास, छह महीना भी उसको तुम नसीहत करोगे तो भी समझ लेना कि ये पत्थर है, इस पर कोई असर नहीं करेगा। पीने तो यहाँ तक फरमाया कि पाषाण पर बोधि रस की था, पर न गलिया ते मूर्ख महा अजान, कि मैंने तो पत्थर पर पहाड़ पर नसीहत करके उसको भी पानी पानी कर दिया है, मगर मूर्ख महा अजान जो जाहिल है, मूर्ख है, नादान है, वो एक संग संदान की तरह है, उस पर कोई बात असर नहीं करती है। कहा दीन पे अमल करो तो इस तरह करो कि मुर्शिद के ज्ञान से अपने आप को तर कर दो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग, वमन हसनु मिन अल्लाह सिबगा, अल्लाह के रंग से अच्छा रंग और किसका हो सकता है। एक शख्स की मिसाल बयान करते हैं कि वो तीर्थ यात्रा में जाने लगा, हिंदू के जो मकामात हैं मुकद्दसा जहाँ वो 68 तीर्थ पे जाते हैं, तमाम उनके जो होली प्लेसेस हैं उनकी ज्यारत करके आते हैं, तो जाने से पहले अपने भाई को मिलने के लिए आया कि भाई मैं जा रहा हूँ यात्रा पे जा रहा हूँ, कुछ काम हो तो मुझे बताना। भाई को अपने बड़े भाई की थोड़ी आदत का पता था, कहा भाई मैं तो गरीब आदमी, मेरे वसाइल भी नहीं हैं और मैं लंबे चौड़े ज्यारत पे जा नहीं सकता, मैं तुम्हें पानी का एक घड़ा देता हूँ, छोटा सा घड़ा है पानी का, अपने साथ ले जाना, जहाँ जहाँ तुम जाते हो, जिन जिन मकामात पे भी जाते हो, जो मज़हबी रसूमात तुम अपने लिए करते हो वो इस घड़े पर भी कर देना, इस पर भी तुम मंत्र पढ़ना, इस पर भी दुआएँ लेना, इस पर की इसके वास्ते भी दुआएँ लेना, पानी में इसको भी डुबकी लगवा लेना, जितनी भी मजहबी चीज़ें तुम अपने लिए करते हो इसके वास्ते भी करना, ताकि जब तुम वापस आओगे तो इन तमाम तीर्थ यात्रा का एक मुकद्दस पानी मेरे घर को आएगा और मेरे लिए इतना ही काफ़ी। वो भाई यात्रा पूरी करके और उसका घड़ा वापस लेकर आया, भाई के पास खुशी खुशी गया कि भाई ये लो तुम्हारा पवित्र जल जो है वो लेकर आया हूँ। तो भाई ने कहा कि भाई बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने तो मेरे भाग खोल दिए, मैं चाहता हूँ इस पवित्र पानी को सबसे पहले आपको पिलाऊं, उसके बाद मैं और अपने घर वाले पियेंगे। अपने भाई को उसने वो पानी पीने के वास्ते दिया, भाई ने घूंट मुंह में डाला और फौरन चिल्लाकर थूक दिया कि इतना कड़वा पानी, इतना कड़वा पानी है इसके अंदर। कहा भाई सॉरी, माफ करना, पानी तो कड़वा ही मैंने डाला था, मैंने इसमें कड़वा पानी ही डाला था इस ईमान और इस अकीदे के साथ कि इतना लंबा चौड़ा यात्रा करके, इतनी दुआएं और इतनी पूजा पाठ, ये सब कुछ करके जब ये पानी आएगा तो मीठा तो बन ही जाएगा ना, मीठा तो बन ही जाएगा। ये सब कुछ करने के बाद भी अगर ये कड़वा का कड़वा ही रहा तो इस सारे यात्रा का क्या फायदा हुआ। बात घड़े की कर रहा था लेकिन सुना भाई को रहा था कि भाई अगर अब भी तेरा हाल वही है जो कि पहले था, अगर वही कड़वाहट अब भी दिल के अंदर है तो इस तीर्थ यात्रा का ऐसा कोई फायदा नहीं है। मौला फरमाते हैं हमारे दरबार में तुम आए हो, हमारा दीदार किया, हमारे फरामीन सुने, जैसे आए वैसे ही अगर गए हो तो क्या फायदा। कहते हैं मौला फरमाते हैं जमात में कुछ लोग ऐसे आते हैं खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, कुछ लोग खाली हाथ आते हैं हीरे जवाहरात के ढेर लेकर जाते हैं। ये सब अपने अपने दिल की बात है कि कौन किस तरह आता है, दीन को किस तरह लेता है, दीन की तालीमात अपने दिल पर किस तरह बिठाता है और किस तरह उस पर अमल करता है। आगे फरमाते हैं कि ये 10 मास गिरफ्तान मा रहिया अने सेवा करियो सार, माँ के पेट में 10 महीना रहे और खुदा की ताबेदारी करती रहे, आवी दुनिया माहे लोभाई गया कोई नो पड़ियो पार। दुनिया में आने के बाद बोला फरमाते हिप्नोटाइज्ड हो गए, सारी दुनिया को देखकर लोभ में आ गए और कोई भी नजात के रास्ते पे नहीं जा सका, किसी ने भी नजात हासिल नहीं की। ए जी ज्ञान वचन छे अम तणा, ये इल्म की बातें फरमाते हैं,
ये हमारे फरामीन है जेणे रिदा माहे राखी आसार ते भगत हमारा जान जो ते ज्ञानी उतरे पार। ये हमारे इल्म की बातें हैं, इनको अपने दिल में रखना और जो इन पे अमल करता है फरमाते हैं कि वो हमारा भक्त है, वो हमारा दीनदार है। फरमाते हैं वो दीनदार फिर कैसे होते हैं जमात के अंदर दुनिया के अंदर, फरमाते हैं कि मोती सीप माहे नीपजे वड़ी होवे माणक तोल। जिस तरह मोती सीप के अंदर पैदा होती है और उसकी बहुत कीमत हो जाती है, इस तरह मेरे भक्त जो हैं वो जमात में ही होते हैं, आम लोगों में ही होते हैं, मगर पोशीदा होते हैं और उनकी बड़ी कीमत होती है। भगत एवा करी जान जो तेनी कोई ना आवे तोल, के जो हमारे भक्त हमारे फरमान बरदार हमारे दीनदार जो दिल से मज़हब पे अमल करते हैं का वो हमारे भक्त हैं, उनके मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। गुर गिनान एवा जान जो अने वड़ी राखे अपनी धीर। यह है ज्ञान की बातें, यह है इल्म की बातें, और इसके साथ साथ आप अपने सबर और इस्तकलाल पर भी अमर करें। ते मानस माहे देव छे तेनो अमर थाए शरीर। ऐसे इंसान इंसानों में रहते हुए फरिश्ते हैं जो दीन की तालीमात पे अमल करते हैं, इंसान पे रहते हुए वो लोग फरिश्ता सिफत ज़िंदगी दुनिया में गुजार रहे होते हैं। आखिरी दो पाठ की मानी बता के मैं अपनी जगह लेता हूँ। ए जे गुर ज्ञान ज रिदा माहे राखियो अने नाम धराव्यो दास। मुर्शिद की तालीमात को अपने दिल में रखा और अपने आप को उन्होंने ग़ुलाम के तौर पे पेश किया। ये जो वाकया बता रहे हैं ये पेशम्स के दो शागिर्द चंद्रभान और सूर्यभान का किस्सा बयान कर रहे हैं। विमरस और सूर्यभान, विमरस को चंद्रभान भी कहते हैं, कि उन्होंने मुर्शिद की तालीम को अपने दिल में रखा मगर अपने आप को ग़ुलाम बना के रखा। फिर शम्स ने इन दोनों को अपनी औलाद की तरह अपना बेटा बना के रखा था मगर वो दोनों पीर के चेले बन के और उनके दास बन के रहे। ज्यां आवी अवतरिया त्यां गुर नर छेतने पास। वो दुनिया में उस जगह उन्हें जन्म मिला जहाँ मुर्शिद कामिल यानि पीर शम्स उनके साथ मौजूद थे। ए जी विमरस सुरभान अवतरिया, आखिरी पाठ में फरमाते हैं विमरस चंद्रभान का नाम है। ए जी विमरस सुरभान अवतरिया अने आविया माहे कलिकार। वो इस कलयुग में आए पीर शम्स सदगुर एम भड़े ते आविया माहे संसार। कि पीर शम्स फरमाते हैं कि चंद्रभान और सुरभान इस दुनिया में आए, उन्होंने हमारी सेवा की। जैसे मैंने अर्ज किया ये ज्ञान आगे चलता है और चंद्रभान और सुरभान के कई किस्से हैं जो इन ज्ञानों में बयान किए गए हैं। ये तमाम ज्ञान हमने ज्ञान की वॉल्यूम नंबर 11 में तर्जुमा के साथ जमा किया है। जो दिलचस्पी रखते हैं वो उन वाक़ियात से फैज़ हासिल कर सकते हैं। तो आपने देखा ये जो ज्ञान की तालीम हमारे पीरों ने दी है जिसमें बुनियादी पैगाम हमें अपने दिल के हवाले से बताया गया है कि सिर्फ मज़हब को रस्मी तौर पर अमल करना नहीं है, मज़हब के मानी को, मज़हब की तालीम को, मज़हब के असरात को अपने दिल में जगह देनी है और अपने दिल में टटोल कर देखना है कि आया इन चीज़ों से हमारे दिल में क्या तब्दीली आ रही है और हमारी बातिन की दुनिया और दिल की दुनिया कितनी आबाद हो रही है। नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैन हाज़िर इमाम हम सबको सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे, मौला गज जमात के तमाम गुनाह माफ़ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत और आबाद रखे, दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े दिलदार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। जी रे वीरा सतने मारगे चाले तो भेद पामी सार गुर ना गिनान जवांची समझ।
मुझे थी उतरी पार जीरे वीरा फरमान अमारो जे न मान से वड़ी नहीं मान से वात ते ठाम किया नहीं पाम से नहीं मल से गुर नरने साथ जीरे वीरा वण समझिया ते पत्थर सरिखा ते सु न करवी हैया कुट सोए जे सतगुर वचन चाले नहीं ते के म करी अमारा होए जीरे वीरा पत्थर पानी मा राखिए जे माही
भगत एवा करे जानिए तेनी कोए न आवे तो जीरे वीरा गुरगी नान एवा जान जो अनवड़ी राखे अपनी धीरा दे मानस माहे देव छे तेनु अमर थाए शरीर जीरे वीरा गुरगी नानज रीदा माहे राखियो अने नाम धरावेया दास जिया आवी अवतरिया तिया गुर नर छे तेने पास जीरे वीरा विमरस सुरभाण अवतरिया अने आविया माहे कली कार पीर शम सतगुर एम भणे ते आविया माहे सोसा